आरएलपी की संकल्प सत्ता यात्रा मंगलवार रात को कुचामन पहुंची, जहां पर रोड शो में डीजे बजाने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल आचार संहिता की पालना कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार यादव और नागौर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस और डीडवाना पुलिस अधीक्षक आलोक श्रीवास्तव के निर्देश पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी डीडवाना रोड पहुंचे और सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान बजाए जा रहे डीजे को बंद कराकर जब्त करने की बात कही। बाद में उच्च अधिकारियों के निर्देश और आपस में बनी सहमति के बाद स्थानीय अधिकारियों ने शहर में डीजे नहीं बजाने की चेतावनी देकर डीजे लेकर जाने दिया। मौके पर विवाद बढ़ने लगा और डीजे को पुलिस थाने में ले जाने का विरोध शुरू हो गया। यात्रा में शामिल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। स्थिति बेकाबू होता देख पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग भी किया गया। इसके साथ ही डीजे संचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद हनुमान बेनीवाल ने थाना परिसर में जाकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की। बाद में हनुमान बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को यात्रा के अगले पड़ाव नावा जाने के लिए निर्देशित किया। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश सीधा हमारे साथ ऑनलाइन पर कुचामन से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, आरएलपी की सत्ता संकल्प यात्रा में विवाद का मामला सामने आया, तो ऐसे में आपसे जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ ज्यादा अपडेट है? देखिए, सत्ता संकल्प यात्रा कल डीडवाना से कुचामन रोड शो करते हुए नावा में इनका कोई मीटिंग वगैरह थी, लेकिन कुचामन में जो डीडवाना रोड पर जब ये पहुंचे तो इनके साथ डीजे बज रहा था और ये इसकी परमिशन वगैरह कोई ली हुई नहीं थी, तो आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए पुलिस प्रशासन ने इसको रुकवाने की बात कही। और जब बातचीत की तो पहले गहमा गहमी कार्यकर्ताओं के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में हुई, लेकिन बाद में सहमति बनी और डीजे बंद करवा दिया गया। लेकिन जो पुराना बस स्टैंड और जवाहर स्कूल तक पहुंचे तो जवाहर स्कूल आने के बाद वापिस कार्यकर्ताओं ने डीजे तेज आवाज में बजाया, तो पुलिस ने जाकर के और उसको डीजे को बंद करवाया, लेकिन पुलिस को उसने अरेस्ट करने की बात कही डीजे संचालक को और डीजे को जब्त करने की बात कही, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में काफी गहमा गहमी रही, आप काफी नारेबाजी हुई, पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और बाद में जब देखा गया तो काफी लोग वहां इकट्ठे हो गए थे और पुलिस का जाब्ता भी कम था, लेकिन फिर भी पुलिस ने और जाब्ता बुलाया। लास्ट में बीएसएफ की जो टीम आई हुई थी चुनाव के लिए उनको ही बुलाया गया और उसके बाद में डीजे को पुलिस थाने ला करके वहाँ उसकी हवा निकाल दी गई और मेन रोड पे, और जब हनुमान बेनीवाल खुद वहां पुलिस थाने जाकर के अधिकारियों से बातचीत की और काफी समय देर रात तक चर्चा चली, काफी भीड़ जमा रही थाने के बाहर और आखिरी में उनके जब आपस में समझौता क्या हुआ इसके बारे में मीडिया को वहां पर अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन पता वहां से नेक्स्ट पड़ाव यानी नावा उनकी मीटिंग थी, मीटिंग के लिए हनुमान बेनीवाल और उनके जो कार्यकर्ता है वो रवाना हो गए और डीजे को और रात को पुलिस थाने में जब्त किया गया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आरएलपी की संकल्प सत्ता यात्रा का ये पूरा मामला है, जहां पर डीजे बजाने पर विवाद हो गया, जिसको लेकर में विवाद को बढ़ता देख पुलिस अधीक्षक आए और सत्ता संकल्प यात्रा को डीजे बंद करवा कर जब्त करने की बात कही।